Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल रील्स स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार ये वाला वीडियो मेरा पार्ट टू वीडियो है। पहला वाला वीडियो में हम बताए थे कैसे आप कैपकट एप्लीकेशन से इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये वाला वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप इनशॉट एप्लीकेशन से ही इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो एकदम इजी स्टेप से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ में चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर, ये जो बगल में बेल आइकन इसके जो ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक फोटो को यहाँ पे मनपसंद कोई सभी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेने कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो डेमो के लिए ये वाला फोटो मैंने ऐड किया हूँ, तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेना है फोटो को। फोटो जैसे ऐड हो जाता है अब क्या करना है, फोटो का जो रेशियो है सबसे पहले यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा जो फोटो यहाँ पे 9:16 वाले रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है, फोटो भी सेट हो चुका है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, करना है सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको म्यूजिक वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो ये सॉन्ग का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा, इजिली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉन्ग का ड्यूरेशन यहाँ पे 13 सेकंड का है, तो आपको क्या करना है, टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने और फोटो का भी ड्यूरेशन आपको 13 सेकंड में कर लेने। तो ड्यूरेशन लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है और ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से स्लाइड करते जाना है तो ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके ड्यूरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको 13 सेकंड लिख लेना है कुछ इस तरह से। देख सकते हो मेरा जो फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पे 13 सेकंड में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम फास्ट पे जाने, जाने के बाद हल्का सा आपको प्ले करके इस तरह से आपको देख लेना है और आपको 6.5 सेकंड में आ जाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 6.5 सेकंड में इस तरह से आपको आ जाने। आने के बाद यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, यहाँ पर आपको एक स्टिकर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हो स्टिकर वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते स्टिकर प्लस वाला आइकन में जाना है और ये जो ग्लेरी जैसा आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे प्लस वाला आइकन में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको जो ग्लेरी ओपन हो जाएगा और जितना भी फोटो आपका रहेगा यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके आपको फोटो को यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है, जहाँ तक आपको फोटो को रख लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 12 या फिर 15 फोटो आप ऐड कर सकते हो आराम से। अगर आपको और भी फोटो ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो एक एक करके आपको ऐड कर लेने, तो चलिए हम 10-12 फोटो इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा फोटो ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेने। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेने, एक एक करके जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ। तो चलिए हम सब फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से हम लॉन्ग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मेरा जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से हम लॉन्ग कर लिए हूँ। तो इस तरह से आपको भी कर लेने। करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फोटो में आना है कुछ इस तरह से, नीचे करना है और फर्स्ट वाला फोटो में आना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड फोटो के ड्यूरेशन को हल्का सा आपको आगे से इस तरह से आपको घटा लेने। घटा लेने के बाद आपको थर्ड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फोटो का भी ड्यूरेशन को और आगे से आपको इस तरह से घटा लेने। ठीक है, एंड चौथा नंबर वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपको घटा लेने, मतलब जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो के ड्यूरेशन को इस तरह से आगे से इस तरह से एक एक करके घटा लेने। ठीक है, तो चलिए हम सब फोटो को इस तरह से एक एक करके हल्का हल्का घटा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो मैंने सब फोटो का ड्यूरेशन कुछ इस तरह से घटा लिया हो। तो इस तरह से आपको आगे से फोटो का ड्यूरेशन को घटा लेना है कुछ इस तरह से, मतलब सीढ़ी जैसा आपको बना लेना है। ठीक है, देख सकते हो मैंने सब फोटो को कर लिया हूँ। करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है कुछ इस तरह से।
फर्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो के ऊपर यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखने के लिए यहाँ पे आपको टी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से आप कुछ भी आप लिख सकते हो, जो मर्जी वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ, आई लव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई लव लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर है, कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ये वाला कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन इसका को टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप टेक्स्ट का जो फॉन्ट है इसको चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने और ऊपर में यहाँ पे आपको सेट कर लेने, इस जगह पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेट कर लेने, ठीक है। करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है। अगर आपको वीडियो के एकदम फर्स्ट पे जाना है, जाने के बाद अगर आपको टी प्लस वाला आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है कटरीना, कटरीना, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप कलर, ये वाला कलर को हम लगा देता हूँ। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने और इसका अगर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते बहुत सारा आपको यहाँ पे फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जो फॉन्ट पसंद है वो फॉन्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मेरा ये वाला फॉन्ट अच्छा है तो ये वाला फॉन्ट रख देता हूँ। देन यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन लगा, टिक कर लेने और यहाँ पे ये जो है कटरीना को हम हल्का सा बड़ा करके यहाँ पे हम इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन इस तरह से लॉन्ग कर लेना है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन लगा, टिक कर लेने। तो यार देख सकते हो मेरा जो वीडियो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ये जो फॉन्ट है अगर आपको नीचे रखना है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो इस जगह पे कुछ इस तरह से, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यार मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है इन शॉर्ट एप्लीकेशन से। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक भी कर लेना। एंड अब क्या करना, वीडियो को आपको सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते फेवरेट है इसको 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।